हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, हमें इन्हें ट्रू करना है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हम भरेंगे। सबसे पहले -5 प्लस -8, और यहाँ पे क्या लिखा है -8 और यहाँ का स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8 है, दोनों इंटीजर्स को ऐड किया जा रहा है, यहाँ भी ऐड करा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा -5। मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी है, एसोसिएट कम्यूटेटिव ऑफ इंटीजर्स एडिशन। तो उसमें क्या है कि आप इंटीजर्स का अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होती है, एडिशन इज कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर्स, तो इससे ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां अब नेक्स्ट है माइनस का 53 प्लस इक्वल टू माइनस का 53। तो माइनस के 53 में क्या ऐड करें कि माइनस का 53 ही रहे, तो दैट मींस यहां जीरो ऐड करेंगे। जीरो ऐड करने से उस इंटीजर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 17 प्लस डैश जीरो। 17 में क्या ऐड करें कि जीरो हो जाए, तो कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसमें सेम वैल्यू का नेगेटिव इंटीजर ऐड करें, मतलब -17 ऐड कर दें 17 में, तो आंसर हो जाएगा जीरो। जैसे कि 3 - 3 क्या हो गया, जीरो। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ऐसे 17 प्लस माइनस का 17। अब नेक्स्ट 13 प्लस माइनस का 12 एक ब्रैकेट में है, मतलब पहले हमें इसे सॉल्व करना है, यहाँ का स्पेस ब्लैंक दिया है और आगे लिखा है 13 प्लस माइनस का 12 और माइनस का 7। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 12 और माइनस 12 और माइनस 7 को पहले सॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फिर 13 में ऐड कर रहे हैं। अब 13 और 12 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्या आएगा -7। मतलब एडिशन की एक और प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव ऑफ इंटीजर, एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करके फिर उसमें थर्ड इंटीजर को ऐड करते हैं, या पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करके फिर फर्स्ट ऐड करें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी पहले ऐड कर सकते हैं और किसी को भी बाद में, तो यहाँ पे आंसर आएगा -7। सिमिलर नेक्स्ट भी इसी का ही एग्जाम्पल है एसोसिएटिव फॉर इंटीजर प्रॉपर्टी का, -4 प्लस 15 प्लस -3। अब यहाँ पे क्या किया, -4 और 15 की ग्रुपिंग कर दी पहले, इनको ऐड कर दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस का 3 ऐड कर देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इन दोनों की ग्रुपिंग करके पहले ऐड किया या इन दोनों की ग्रुपिंग करके ऐड किया, अल्टीमेटली ऐड तो तीनों को ही करा है हमने। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। चैनल अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तब भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए।